सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फेसबुक पे नोटिफिकेशन पाने के लिए फेसबुक पेज लाइक व फॉलो करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करेंगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ई नेम योजना के बारे में। आपको बता दें कि ई नेम योजना किसानों के लिए सबसे बेस्ट योजना है। अगर आप किसान हैं तो आपको ई नेम योजना से जुड़ना फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको बता दें कि ई नेम योजना किसानों के लिए एक बेहतर योजना है, जहां किसान अपना सामान यानी अपनी फसल, अपना अनाज बाजार के सही दामों में बेच सकता है, यानी बीच बिचौलिए व्यापारियों से छुटकारा पा सकता है। अगर किसान और ई नेम योजना के अंदर किसान देश के 585 मंडियों में अपना अनाज बेच सकता है घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए। तो चलिए इस वीडियो में आपको ई नेम योजना के सारे फायदे, क्या क्या फायदे हैं ई नेम योजना के और आपको किस तरीके से ई नेम योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन वगैरह करने होते हैं और इसके अंदर अन्य भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, तो इस वीडियो में जानेंगे पूरी जानकारी। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करते से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली और ऐसी सरकारी योजना व लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ई नेम योजना के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है ई नेम योजना की वेबसाइट, यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। देश के सभी किसान इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके देश के किसी भी मंडी में अपना अनाज बेच सकता है, और वो भी बाजार के सही मूल्यों में। आपको बता दें कि पहले शुरुआत में इस योजना के अंतर्गत सिर्फ 17,000 किसान ही जुड़े थे, लेकिन अब इस योजना के अंतर्गत 2.25 करोड़ किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसानों को इस टेंशन से मुक्ति मिल रही है। बाजार में उत्पाद का अच्छा दाम मिलना किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि फसल का सही दाम नहीं मिलने के कारण कई किसान अपने अनाज को यानी फसल को कम दामों में किसानों को बेचना पड़ता है, लेकिन ई नेम योजना से जुड़ के सही दामों में किसान अपनी फसल बेच सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के इस सबसे बड़े दर्द को समझा और फसलों की ऑनलाइन बिक्री के लिए देश भर में कृषि बाजार मंडी यानी ई मंडी खोल दी। इसका मतलब है राष्ट्रीय कृषि बाजार। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसे मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को की गई। इसके तहत रजिस्ट्रेशन होकर किसान अपनी उपज अच्छी कीमत पर कहीं भी बेच सकता है, और सरकार ने देश में 585 मंडियों को ई नेम योजना के तहत जोड़ा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के तहत काम करने वाले लघु कृषक कृषि व्यापार संघ ई नाम को लागू करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। यानी दोस्तों, अपनी भाषा में कहा जाए तो मोदी सरकार की ई नेम योजना के अंतर्गत किसान अपने अनाज को सही दामों में बेच सकता है, घर बैठे कहीं भी बेच सकता है, किसी भी मंडी में बेच सकता है अपने मोबाइल के जरिए, और अपनी फसल का सही दाम प्राप्त कर सकता है। अब दोस्तों, अगर आप ई नेम योजना से जुड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं वो यहाँ पे हम आपको बता देंगे। सबसे पहले आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट आप गूगल पे सर्च करके भी आ सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे आपको डायरेक्ट इसका लिंक मिल जाएगा। इसका यहाँ पे आपको टोल फ्री नंबर भी मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने इस तरीके का पेज होगा। यहाँ से आप अपनी भाषा चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कई भाषाओं में ये पोर्टल तैयार किया गया है। यहाँ पे आपको सबसे पहले पंजीकरण का प्रकार कि आप विक्रेता हैं यानी आप किसान हैं जो अपना अनाज बेचेंगे, या फिर खरीददार हैं, कमीशन एजेंट हैं, सेवा प्रदाता हैं, जो भी है वो यहाँ से। तो किसान है वो विक्रेता है यानी बेचने वाला, तो यहाँ पे विक्रेता पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे श्रेणी, व्यक्तिगत किसान, किसान समूह है, सहकारी, व्यापारी। तो यहाँ पे एक व्यक्तिगत किसान, एक नॉर्मल किसान, व्यक्तिगत किसान की श्रेणी में आता है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत किसान पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में राज्य का नाम यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे सात पंजीयन पे आपके नज़दीकी जो भी मंडी होगी उसका यहाँ पे आपको नाम सेलेक्ट करना है, जो आपके नज़दीकी मंडी है, जो आपके नज़दीकी यहाँ पे शहर का नाम दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने नज़दीकी शहर का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आपको पंजीयन चुने, श्रीमान, श्रीमती, श्रुति, जो भी। तो यहाँ पे किसान के लिए, व्यक्ति के लिए श्रीमान, उसके बाद में यहाँ पे पहला नाम, उसके बाद में यहाँ पे लास्ट नेम,
उसके बाद में लिंग यहाँ पे महिला या पुरुष, और उसके बाद में यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपके पिता का नाम आ गया। यहाँ पे देखिए पुत्र पुत्री पत्नी, यानी अगर महिला है तो वो पुत्री शादीशुदा है तो वो पत्नी सेलेक्ट करेगी, तो यहाँ पे पत्नी आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप अपने पिता का नाम टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आप अगर पुरुष हैं तो यहाँ पे बेटा, अगर महिला हैं तो बेटी, और पत्नी के लिए यहाँ पे आ ही जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आप नाम टाइप करोगे तो उसके साथ आपका रिलेशन क्या होगा वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने पिता का नाम टाइप करूँगा तो यहाँ पे का बेटा, यानी यहाँ पे जो नाम आ रहा है उनका बेटा। तो यहाँ पे आप हिंदी या इंग्लिश में दोनों में टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना होता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने गाँव का नाम, यहाँ पे आपका डाक, जो भी जहाँ से आपका डाक आता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने पिन कोड नंबर, उसके बाद में आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने ज़िले का नाम, यहाँ पे तहसील, यहाँ पे आपको फ़ोटो आईडी का प्रकार सेलेक्ट करना है, मतलब आधार कार्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड नंबर हैं वो टाइप कर देने हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर टाइप करने हैं, और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी आप टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मतलब आप जो ये रजिस्ट्रेशन होगा ये अपने एसएमएस में प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे एसएमएस पे कर दीजिए, यानी आपके मोबाइल नंबर पे इस पोर्टल के आईडी पासवर्ड चले जाएंगे। अगर आप ईमेल पे जाते हैं तो आप दोनों पे जाते हैं दोनों पे कर सकते हैं, या फिर ईमेल पे नहीं जाते तो यहाँ पे टिक हटा दीजिए। अगर आप दोनों पे जाते हैं कि इस पोर्टल के आईडी पासवर्ड ईमेल पे भी जाएं और आपके मोबाइल पे भी जाएं तो यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको बैंक का विवरण देना होता है, तो यहाँ पे खाता धारक का नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद में यहाँ पे बैंक का नाम, उसके बाद में यहाँ पे आपको खाता नंबर, और यहाँ पे दोबारा खाता नंबर टाइप करने होंगे, यहाँ पे आईएफएससी कोड, और यहाँ पे दोबारा आईएफएससी कोड टाइप करने होंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने बैंक की पासबुक अपलोड करनी है, और यहाँ पे आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं या फिर कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा तो आधार कार्ड बेस्ट रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पे जमा करे पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही जमा करे पे क्लिक करोगे तो देखिए मैं यहाँ पे आपको डिटेल डाल के नहीं दिखा रहा क्योंकि ये थोड़ी सेफ्टी के लिए सही नहीं होता, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह। तो आप यहाँ से जैसे जमा करो पे क्लिक करोगे तो एसएमएस पे आपको आईडी पासवर्ड मिलेंगे, और आपकी इस ईमेल पे भी एक आईडी पासवर्ड चले जाएंगे। उन आईडी पासवर्ड से आपको फिर क्या करना है, लॉगिन पे आना है। यहाँ पे लॉगिन पे आना है। लॉगिन पे आने के बाद में यहाँ पे आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आप अपनी जो भी भाषा है वो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालिए और यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी मंडियों की डिटेल आ जाएगी, किसानों की डिटेल आ जाएगी, यानी आप यहाँ से बहुत सारे काम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ई नेम पोर्टल के ज़रिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी खेती से संबंधित, किसानों से संबंधित और बहुत सारी जानकारियाँ इस पोर्टल के ज़रिए मिल जाती है। और आपको बता दें कि इस पोर्टल पे किसानों से संबंधित और भी कई सुविधाएं धीरे धीरे जोड़ी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे जानकारी आपको अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों अगर इस योजना से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल या फिर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां जाके आपको इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। बाय बाय। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएँ। फेसबुक पर नोटिफिकेशन पाने के लिए फेसबुक पेज लाइक और फॉलो करें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन।